हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम शशांक तिवारी एंड दिस इज माय अनदर वीडियो। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 6 मिस्टेक्स के बारे में जो आईफोन की बैटरी लाइफ से रिलेटेड है। अगर आप भी एक आईफोन यूजर हो और आप दोस्तों ये 6 गलतियां कर रहे हो तो आप अपने आईफोन की बैटरी लाइफ को खराब कर रहे हो। ये क्या है 6 गलतियां, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा आज के इस वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मिस्टेक नंबर 1, चार्ज इन हॉट एरिया। दोस्तों, अगर आप भी अपने आईफोन को बहुत ही हीटअप वाले एरिया पे या बहुत ही हॉट एरिया पे चार्ज करते हो तो ये गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि बहुत सारे मैंने यूज़र को ऐसा करते हुए देखा है कि अब वो डायरेक्ट सनलाइट के नीचे अपने आईफोन को चार्ज करते हैं या जिस रूम में अपने आईफोन को चार्ज कर रहे हैं उस विंडो से दोस्तों डायरेक्ट सनलाइट उनके आईफोन पे आ रही है। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों आईफोन जो एप्पल है वो भी आपको यही रिकमेंड करता है कि जो चार्जिंग का टेम्परेचर होना चाहिए, जो रूम का टेम्परेचर होना चाहिए वो अप्रॉक्स 0 to 35 डिग्री तक ही होना चाहिए। बट बहुत बार होता क्या है कि आपके रूम में डायरेक्ट सनलाइट आने के कारण जो आपका आईफोन है वो बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता है। तो ये मिस्टेक लोग करते हैं और इसके कारण बैटरी लाइफ खराब होती है। तो अब जब भी आपको अपने आईफोन को चार्ज करना है तो चार्जिंग पे प्लग इन करने से पहले ये मेक श्योर करना है कि डायरेक्ट सनलाइट ना आ रही हो और वो जो रूम है वो दोस्तों कूल हो। मिस्टेक नंबर 2, यूज हार्ड एंड हैवी केस। दोस्तों, बहुत से आईफोन यूजर ये गलती करते हैं कि अपने आईफोन का जो केस यूज करते हैं वो दोस्तों बहुत ही हार्ड या हैवी होता है। मैं एग्जांपल के लिए आपको दोस्तों ये केस दिखा देता हूँ। जैसे आप देख सकते हो ये जो केस है ये भी दोस्तों उतना हैवी या हार्ड नहीं है, बट तब भी बहुत सारे ऐसे आईफोन के स्टाइलिस्ट कवर आते हैं मार्केट में जो बहुत ही हैवी होते हैं या आपके आईफोन को वो पूरी तरीके से पैक कर देते हैं। तो अगर दोस्तों आप भी ऐसे हैवी कवर का यूज़ करते हो तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप बहुत ही ज़्यादा हैवी केस का यूज़ करोगे और उसे यूज़ करने के बाद उसी के साथ अगर आप चार्जिंग पे प्लग इन करते हो तो ये प्रॉब्लम क्या होती है कि जब दोस्तों आपका आईफोन हैवी और हार्ड केस से पूरा फिक्स रहता है और जब आप प्लग इन करते हो तो चार्जिंग के कारण जो हीट जनरेट होती है उससे दोस्तों आपकी बैटरी लाइफ बहुत ही ज़्यादा डैमेज होती है, क्योंकि वो आपका जो आईफोन है वो हीटअप हो जाता है, उसे स्पेस नहीं मिल पाती। तो इसका दोस्तों सॉल्यूशन आप ये कर सकते हो कि या तो आप बहुत ही लाइट केस का यूज़ करो, या तो अगर आप कोई ऐसा कवर यूज़ भी कर रहे हो तो जब आप चार्जिंग के लिए से प्लग इन करो तो चार्जिंग के टाइम आप केस को रिमूव कर दो और डायरेक्ट आईफोन को चार्जिंग में प्लग इन करो। ऐसा करने से दोस्तों आपका जो आईफोन है वो कूल रहेगा और बहुत ही हैवी हीटअप नहीं होगा। मिस्टेक नंबर 3, ओवर चार्जिंग। दोस्तों, बहुत से आईफोन यूज़र ये गलती करते हैं कि अपने आईफोन को ओवर चार्ज कर देते हैं। मतलब जैसे सपोज़ आपने अपने आईफोन को प्लग इन किया चार्जिंग में और उसके बाद दोस्तों आप भूल गए कि आपने आईफोन को चार्ज में रखा हुआ है और ये जो आपका आईफोन है ये 80, 90, 100% हो गया और उसके बाद भी दोस्तों आपका जो चार्जिंग है वो प्लग इन है, आपने दोस्तों अपने आईफोन को प्लग आउट नहीं किया है और वो अगेन दोस्तों उस पर हीट आ रही है, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। और मैं तो आपको ये रिकमेंड करूंगा कि दोस्तों आपको 100% चार्जिंग करने की भी कोई नीड नहीं है। आईफोन की जो बैटरी होती है उसका दोस्तों साइकिल होता है, सभी स्मार्टफोन की बैटरी में भी ये चीज़ होती है। तो आपको करना क्या है, जब भी आप अपने आईफोन को चार्ज पे डालो तो दोस्तों आपको ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं कि 100% ही चार्ज करना है, आप दोस्तों इसमें एक ऑप्टिमाइजेशन भी सेट कर सकते हो। दोस्तों, एप्पल भी अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे यही रिकमेंड करता है कि आपकी जो आईफोन की बैटरी है वो 25% से कम नहीं होनी चाहिए और 80% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर आप आईफोन को यूज़ कर रहे हो तो ट्राई करो कि 25% से जैसे ही आईफोन कम होता है तुरंत आपको चार्ज करना है, 25 से कम आप यूज़ मत करो। और अगर आप दोस्तों चार्जिंग कर रहे हो तो 80% से ज़्यादा मत करो, तो इससे दोस्तों जो बैटरी ड्रेनेज है वो नहीं होता है। तो अब मैं आपको दोस्तों बता देता हूँ कि अगर आप भी चाहते हो बैटरी ऑप्टिमाइजेशन की सेटिंग करना तो वो कैसे करोगे। तो अब आप साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग देख सकते हो और यहाँ पे मैंने आईफोन की सेटिंग्स को ओपन कर लिया है। और अब आपको करना क्या है, सिंपली सेटिंग्स को स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा बैटरी का। दोस्तों, ये जो बैटरी वाला ऑप्शन है सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है और जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने चार्जिंग ऑप्टिमाइजेशन का एक ऑप्शन आता है
जब दोस्तों आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्टिमाइज्ड बैटरी चार्जिंग पे टिक है, और आप चाहो तो इसे 280% लिमिट भी सेट कर सकते हो। तो इस लिमिट से होगा क्या, जब भी आप अपने आईफोन को चार्ज करोगे तो चार्जिंग के टाइम अगर आपने 80% लिमिट सेट की है तो जैसे ही आपका आईफोन 80% चार्ज हो जाएगा उसके बाद दोस्तों ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक, मतलब इसके बाद आगे चार्जिंग नहीं होगी। ये बहुत ही अच्छा फीचर है दोस्तों। इस चार्जिंग ऑप्टिमाइजेशन के हेल्प से आप अपने आईफोन की बैटरी लाइफ इंक्रीज कर सकते हो और बैटरी ड्रेनेज से भी बच सकते हो। तो अगर आप भी चाहो तो इस ऑप्टिमाइजेशन का यूज करके अपने आईफोन के चार्जिंग में 80% लिमिट सेट कर सकते हो। मिस्टेक नंबर 4, हाई ब्राइटनेस। दोस्तों बहुत सारे आईफोन यूजर ये गलती करते हैं कि अपने आईफोन में वो हमेशा जो ब्राइटनेस है उसे पीक पे रखते हैं और हमेशा उनका जो डिस्प्ले है वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट रहता है। दोस्तों ये गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि आप अगर पूरे टाइम अपने आईफोन में ब्राइटनेस को पीक पे रखोगे तो उससे डिस्प्ले भी हीट अप होता है और बैटरी पे भी इम्पैक्ट आता है। तो इसे दोस्तों सॉल्व करने के लिए आप बहुत इजीली ऑटो ब्राइटनेस का हेल्प ले सकते हो, और अपने आईफोन में ऑटो ब्राइटनेस को कैसे एनेबल करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको ऑटो ब्राइटनेस कैसे एनेबल करना है उसके लिए आप साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग देख सकते हो। यहाँ पर मैं आईफोन की सेटिंग्स में आया हूँ और सिंपली आपको स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे आपको एक्सेसिबिलिटी का एक ऑप्शन मिलता है। जब आप एक्सेसिबिलिटी पे क्लिक करोगे तो आपके सामने दोस्तों डिस्प्ले एंड टेक्स्ट साइज का एक ऑप्शन आएगा। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने कुछ फीचर्स आ जाएंगे। सिंपली दोस्तों आपको स्क्रॉल डाउन करना है और लास्ट में ऑटो ब्राइटनेस ये आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा। अभी ये दोस्तों डिसेबल है, आपको सिंपली इसे एनेबल कर देना है। तो इससे होगा क्या, अब आपके आईफोन में ऑटो ब्राइटनेस एनेबल है और ये जो आपका आईफोन है ये दोस्तों ऑटो ब्राइटनेस पे सेट है। मतलब जैसा इन्वायरमेंट होगा उस लाइट के अकॉर्डिंग इस डिस्प्ले की जो दोस्तों ब्राइटनेस है वो एडजस्ट होगी। और यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे लिखा भी है, टर्निंग ऑफ ऑटो ब्राइटनेस मे अफेक्ट बैटरी लाइफ एंड लॉन्ग टर्म डिस्प्ले परफॉर्मेंस। मतलब अगर आप इस सेटिंग को डिसेबल कर देते हो, इस ऑटो ब्राइटनेस को ऑन नहीं रखते हो, वही जो मैंने आपको बताया बहुत सारे लोग बहुत टाइम तक अपने डिस्प्ले को हाई पे रखते हैं तो उससे दोस्तों बैटरी लाइफ प्लस ये जो डिस्प्ले परफॉर्मेंस है दोनों इफेक्ट होती है। मिस्टेक नंबर 5, सॉफ्टवेयर अपडेट। दोस्तों बहुत सारे आईफोन यूजर ये गलती करते हैं कि अपने जो आईफोन में सॉफ्टवेयर अपडेट होता है उसे दोस्तों स्टॉप किए रहते हैं, मतलब ऑटो अपडेट से हटा के वो दोस्तों मैनुअल कर देते हैं कि जब भी उनका मन हो तब वो अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हैं। बट दोस्तों ये गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि बहुत बार आईफोन में होता ही है कि जो सॉफ्टवेयर अपडेट होता है उस सॉफ्टवेयर अपडेट में बैटरी से रिलेटेड भी बहुत सारे अपडेट होते हैं जो आपकी बैटरी हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। तो अगर ऐसे में आपने उस ऑटो अपडेट को स्टॉप किया है और मैनुअल अपडेट किया है तो इससे होता क्या है कि बहुत बार आपके आईफोन में वो बैटरी से रिलेटेड अपडेट नहीं आ पाता और इसमें बैटरी पे भी इम्पैक्ट आता है। तो आपको सिंपली दोस्तों इसे ऑटो अपडेट पे कर देना है। मिस्टेक नंबर 6, लोकल चार्जर। दोस्तों बहुत सारे आईफोन यूजर ये गलती करते हैं कि अपने आईफोन को चार्ज करने के लिए जो टाइप सी टू टाइप सी केबल होती है या जो लाइटनिंग केबल होती है वो तो ओरिजिनल होती है, बट दोस्तों उसका जो एडाप्टर होता है वो दोस्तों लोकल मार्केट से परचेज कर लेते हैं, या अगर उनके पास रियल वाला ख़राब हो गया है तो किसी भी फ्रेंड का लेके या कोई भी दोस्तों लोकल जो एप्पल का ओरिजिनल एडाप्टर नहीं है उसका यूज़ करते हैं और उसके हेल्प से अपने आईफोन को चार्ज करते हैं। बट दोस्तों ये आपको गलती नहीं करनी है, आपको अपने आईफोन को चार्ज करने के लिए हमेशा ही आईफोन का जो ओरिजिनल एप्पल का अडाप्टर होता है उसी का यूज़ करना है। अगर आप कोई थर्ड पार्टी या लोकल अडाप्टर का यूज़ करते हो तो आपके बैटरी के ड्रेनेज के चांसेस बढ़ जाते हैं और बैटरी लाइफ पे भी इम्पैक्ट आता है। तो ये गलती भी आपको नहीं करनी है। तो दोस्तों ये थे कुछ 6 मिस्टेक जो मैंने आपको बताए। अगर आप भी इनमें से कोई गलती कर रहे हो तो वो आप मत करना, अगर आप ये गलती को अवॉइड करोगे तो आपकी जो आईफोन की बैटरी लाइफ है वो इम्प्रूव होगी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया इस 6 मिस्टेक्स के बारे में। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स।